दोस्तों आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मौन रहने से लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं। मतलब कि कोई आपसे कुछ भी कह रहा हो तो आप चुप हो जाए और उससे पहले उसकी बातों को सुने और उसके हिसाब से बोले। चुप रहने से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, घर में कलेश नहीं होगा और लोग आपके बारे में कुछ जाना नहीं जान पाएंगे। जीभ के अंदर एक भी हड्डी नहीं होती है फिर भी वो आपकी हड्डियां तोड़वा सकती है। दोस्तों कमान से निकला हुआ बाण, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते। आपने सामने वाले को क्या कहा और उसने क्या समझ लिया, इसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। ज्यादा बोलना आपको कई सारी परेशानियों में डाल सकता है, जबकि कम बोलना आपको बहुत सी परेशानियों से बचा सकता है। जितना हो सके उतना कम बोलिए और सोच समझ कर बोलिए। अगर दुर्योधन के गिरने पर द्रौपदी ने अपना मुंह नहीं खोला होता तो दुर्योधन कभी पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित नहीं करता, ना ही द्रौपदी का चीर हरण होता और ना ही महाभारत जैसा भयंकर युद्ध होता। तो शब्द दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र है, इसके द्वारा हम किसी को भी किसी के खिलाफ भड़का सकते हैं और इन्हीं शब्दों से हम किसी को भी बस में कर सकते हैं। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें जरूरत जितना ही बोलना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमें जरूरत से भी कम बोलना चाहिए। ज्यादा बोलना आपकी वैल्यू कम कर देता है और आप साधारण दिखने लगते हैं, जबकि कम बोलना आपको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। कोई भले ही अंदर से मूर्ख क्यों ना हो, अगर वो शांत बैठा है तो उसकी बहुत ज्यादा इज्जत होगी। अगर आप ज्यादा बोलोगे तो कहीं ना कहीं आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाएंगी जो आपकी इमेज खराब कर देगी, और आप कम बोलेंगे तो आप स्मार्ट लगोगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, द पावर ऑफ साइलेंस, कि हम लोगों के सामने अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। एक समझदार व्यक्ति तभी बोलता है जब उसे बोलने की जरूरत होती है, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति हमेशा बड़बड़ करता रहता है और लोगों के सामने उसकी इमेज खराब होती है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कई बार हम लोगों से बहस करते हैं और बहस करने के बाद जब हम सोचते हैं कि यार मुझे तो उस वक्त पर ये चीज़ बोलनी चाहिए थी, मैंने क्यों नहीं बोली, अगर मैं वो शब्द बोल देता तो मैं सही साबित हो जाता। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है, जब आप उसे बहस कर रहे होते हैं तब आप अपने दिमाग का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर रहे होते। बहस करने के चक्कर में, अपनी बातों को मनवाने के चक्कर में आप ये भूल जाते हो कि क्या बोलना है, और आप बिना किसी की बातें सुने अपनी बात को मनवाने लगते हो और इससे आपकी इमेज खराब होती है। तो लेकिन आप कभी कभी बोलोगे तो आपके शब्दों में वजन रहेगा और लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपकी बात को भी सुनेंगे। अगर आप कम बोलना सीख गए तो आप कभी बेवकूफ़ नहीं बन सकती हो, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ के बारे में बताए तो आप समझ पाओगे कि क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ पता लगा सकते हो, और कम बोलोगे जितना ही अच्छा है, और हमेशा सच बोलो। तो कम बोलें, अच्छा बोलें और हमेशा सच बोलें, और ऐसे इंसान की हर जगह इज्जत होती है। और ऐसे ही पावर ऑफ मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। वह जय हिंद, वंदे मातरम।